वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश, हरिद्वार से ऋषिकेश का ब्लॉग होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, हम आ चुके हैं ऑन रोड और आपको दिख रहा होगा कि कितना प्यारा व्यू और सब चीज़ ऑसम। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हरिद्वार टू ऋषिकेश का ब्लॉग होने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा। पहले तो गलियों से बाहर निकल के हाईवे की तरफ चलते हैं, फिर बात करते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं हाईवे पे। ये दिल्ली टू ऋषिकेश हरिद्वार देहरादून वाला हाईवे है और प्रॉपर मस्त एकदम मॉर्निंग। थोड़ा वर्किंग भरी है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। और अब हम ट्रैफिक अभी बहुत कम है क्योंकि ये तो सुबह हुई है, तो बहुत लोग कभी उठे नहीं शायद से, शायद से क्या तो दिख रहा है। सो गाइस, अब आने वाला है शांति कुंज। आज मैं शांति कुंज के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सब चीज़ बढ़िया है, अंदर बहुत ऑसम है, आप कभी आओ तो ज़रूर विज़िट करो। लेकिन मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, और कुछ नहीं यहाँ की बात। और ये हरिपुर देहरादून ऋषिकेश बद्रीनाथ। देहरादून यहाँ से 40 किलोमीटर है और ऋषिकेश यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। सो गाइस, ये फ्लाईओवर पता है जस्ट अभी एक या दो महीने पहले ही बना है और गाइस बहुत ही ऑसम है और आई थिंक सबसे लंबा हाईवे फ्लाईओवर है। चारों तरफ व्यू बहुत ऑसम आ रहा है। ये फ्लाईओवर कुंभ के चलते यहाँ पे बना है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता था इस साइड, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा फ्लाईओवर बनाने का, तो ये फ्लाईओवर बना। गाइस, जो आपको ये चारों तरफ जंगल दिख रहा है, ये राजाजी नेशनल पार्क में आता है। सो गाइस, कौन कौन राजाजी नेशनल पार्क गया है वो कमेंट करके बताओ, और जो नहीं गया है अगर वो चाहते हैं कि वहाँ का भी ब्लॉग बने तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के लिए जाऊँगा और वहाँ का ब्लॉग ज़रूर लेके आऊँगा। चारों तरफ व्यू बहुत ज़्यादा ऑसम आ रहा है, चारों तरफ नेचर ही नेचर, वाओ नाइस। सबसे बेस्ट बात है नेचर और ऋषिकेश और देहरादून। गाइस, ये अभी हम राय वाला क्रॉस करा है। अब अभी के टाइम पर अगर हरिद्वार आओगे तो चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गाइस, मेरी सबसे बेस्ट प्लेस जब भी मैं हरिद्वार से ऋषिकेश जाता हूँ ये वाली जगह लगती है, मतलब एक प्रॉपर फ़ोटोशूट के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। जो मतलब फ़ोटोशूट लगा रहे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। कि नेचर है और जैसे पुराना मोन्यूमेंट टाइप का होता है ना, वो चीज़ भी है वहाँ पर, तो आप ईजिली और अच्छे से शूट कर सकते हो। गाइस, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, आप जब भी किसी स्टेट से हरिद्वार एंटर करोगे तो ऐसा कुछ बोर्ड मिलेगा कुंभ मेला 2021 का। सो गाइस, मैं तो आपको बस यही बोलूँगा कि अभी कुंभ चल रहा है, आप आओ, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और ज़रूर के लगेगा ही बहुत अच्छा। गाइस, सबसे बेस्ट जगह ये नदी जो अभी पीछे गई, और जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था यहाँ से देहरादून का रास्ता जाता, तो वो नीचे जो है वो देहरादून का और ये फ्लाईओवर ऋषिकेश जाता है सीधा। अभी तो फ्लाईओवर ख़त्म हो जाएगा आगे जाके, लेकिन ये फ्लाईओवर ऋषिकेश जाता है। सो गाइस, आगे देख के तो ऐसा लग रहा है कि रश होने वाला है, देखते हैं।
और गाइस जैसे कि बोला था आगे रश होने वाला है, सेम वही चीज़ है गाइस। यहाँ पे एक्चुअली फाटक है तो दैट्स व्हाई कि यहाँ पे जाम लगना तो कॉमन सी बात है। अब यहाँ से थोड़ा निकल के और ये करा हमने फाटक क्रॉस और ये थोड़ा सा देखते गाइस ऋषिकेश के दो रास्ते हैं, एक तो सीधा जाता है और ये नटराज तक जाता है। तो हमें इस साइड से कुछ काम है तो पापा नहीं था, पहले इधर चलते हैं। इधर गाइस आप सिर्फ व्यू देखो, प्रॉपर एकदम मस्त एकदम लग रहा है ना रापचिक। एक्चुअली इस एरिया को, इस तरफ का जो एरिया है जो आप देख रहे हो, ये न्यू ऋषिकेश में आता है। ये जस्ट अभी ही हाल में बना है और कुछ बन भी रहा है, कंप्लीट होने वाला है। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना प्रॉपर। और जितनी भी बाइक लवर हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। और गाइस अब हम आ चुके हैं योग नगरी, उत्तराखंड की कैपिटल, योगा कैपिटल ऋषिकेश। तो गाइस ऋषिकेश को योगा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस जो ऋषिकेश आया होगा उनको पता होगा, ये बहुत ही अंदर से तो बहुत ऑसम बना है गाइस। वैसे तो ये स्टेशन है रेलवे स्टेशन, लेकिन जिस हिसाब से ये बना है बहुत ही ऑसम है गाइस। यहाँ पे एक महादेव की मूर्ति है जैसे कि आपको दिख रहा होगा और सामने उनके नंदी है, एकदम मस्त दिखता है। जब भी आओ तो ज़रूर बताना, ये आप देख सकते हो पूरा व्यू यहाँ से। और हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं जहाँ हमने जाना था, तो बस थोड़ा सा आगे गाइस कौन कौन हरिद्वार और ऋषिकेश आया है प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें काम है। एक्चुअली हमारा घर बन रहा है तो उसके लिए ही हम यहां पे आए हैं। कंस्ट्रक्शन का जितना भी सामान वगैरह जो भी है वो यहां से हम कैरी करेंगे। देन मैं तो ऋषिकेश जाऊंगा और मेरे साथ पापा आए हुए, वो सामान वगैरह ले रहे हैं। तो गाइस इससे आगे मेरा सफ़र पैदल है, आई मीन ऑटो से जाऊंगा। और अभी तक बाइक से था तो पापा तो गांव की तरफ गए और मैं जाऊंगा अब ऋषिकेश। तो अभी मैं नटराज पहुंच चुका हूं और यहां से लूंगा ऑटो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुका हूं मैं ऋषिकेश के मार्केट में। और अभी तो मार्केट खुला है तो इतनी भीड़ है नहीं यहाँ पर। तो चलो फिर मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ ऋषिकेश का। सो गाइस ये है ऋषिकेश का मार्केट, जितने भी ऋषिकेश के आसपास जैसे टीरी हो गया और ऊपर चंद्रेन नगर वाले जितने भी एरिया हैं वो सब यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं गाइस। एक बार आप भी विजिट करो, काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ तक कि मैं खुद यहीं से शॉपिंग करता हूँ अपनी जितनी भी है। गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर ऋषिकेश का एक ब्लॉग बना कर डालूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा उसे बनाने की। प्रॉपर पूरा ऋषिकेश के ऊपर होगा वो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को।